अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। दैट इज डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, हु इज हर्ट बाय इन्फ्लेशन एंड हु इज अनअफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। Today we are going to start the next economic problem, that is unemployment. I'm going to share the screen. कोई क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यस सर, यस सर, यस सर, पूछे बेटा। सर वो प्रीवियस में हमने ये पढ़ा था डिमांड फॉर मनी के बारे में ना, जब मतलब इकोनॉमी बूम करती हो तो डिमांड, मनी की डिमांड हाई हो जाती है, डिप्रेशन में हो तो मनी की डिमांड जो होती है वो लो होती है, और उसकी जो रीजन होती है वो होल्डिंग कैश होती है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लेकिन सर वो क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट रेट, आपने बताया था इंटरेस्ट रेट जो होती है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इनकम के, ऐसे ही है ना मतलब। लेकिन सर वो एक 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 हद तक होता है ना, मतलब अगर हम ग्राफ बनाएं ग्राफ, तो जब हम मतलब एक कर्व बनाते हैं तो इंटरेस्ट रेट को हम वर्टिकली लेते हैं और क्वांटिटी ऑफ इनकम को हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं, तो एक एक मतलब के हद तक एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे मतलब कैसे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि अगर कर्व बनाए तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा क्वांटिटी ऑफ इनकम कम होगी, क्वांटिटी ऑफ इनकम ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन एक हद तक वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही है ना सर। तो अगर ग्राफ ग्राफ पे देखें सर वो, मैं बताता हूँ बेटा, डिमांड फॉर मनी विच इज इनवर्सली रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट, विच इज ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट। जो इक्वल होने की बात है वो है डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी, आपस में इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा। हाउएवर इंटरेस्ट रेट विल ऑलवेज अफेक्ट नेगेटिवली टू द मनी डिमांड। और अगर हम कहेंगे कि मनी डिमांड इंटरेस्ट रेट को कैसे अफेक्ट करती है, तो वो उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। अब देखें, ए का बी को अफेक्ट करना वो और चीज है, बी का ए को अफेक्ट करना वो और चीज है। हमने क्या किया हुआ है, हमने जो वाई एक्सिस पे वेरिएबल इंटरेस्ट रेट वो क्या है, एग्जोजनस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से मनी डिमांड कैसे अफेक्ट हो रही है, नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है। क्लियर हो गया पॉइंट, इस तरीके से मनी डिमांड कर्व बना। लेकिन अगर बात इक्विलिब्रियम बन गया, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट डिटरमिन हो गया, अब मनी डिमांड में अगर चेंज आती है या मनी सप्लाई में चेंज आती है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होगा। और अब जिस वे से होगा मे बी डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ए ने बी को जैसे अफेक्ट किया है बी भी ए को वैसे ही अफेक्ट करे। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल ऐसे हैं, जैसे क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, नेगेटिवली अफेक्ट करती है प्राइस लेवल क्वांटिटी डिमांड को, लेकिन क्वांटिटी डिमांड प्राइस को कैसे अफेक्ट करता है, वो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। देखें, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइस भी कम हो जाती है, पॉजिटिव अफेक्ट हो गया। अब इसमें क्या था, फ़र्क क्या था दोनों में, दोनों में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फ़र्क है। अब इसमें जो है मैंने क्वांटिटी डिमांड को मैंने जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया, जबकि लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कहने का मतलब यह है कि ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ए वेरिएबल बी वेरिएबल को जैसे अफेक्ट करता है, जरूरी नहीं है कि बी वेरिएबल जो है वो ए वेरिएबल को भी वैसे ही अफेक्ट करे। तो जो आप बता रहे हैं उसमें क्या था कि जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज नेगेटिवली रिलेटेड विद द मनी डिमांड, वो मनी डिमांड को से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मनी डिमांड बढ़ जाती है, और ये रिलेशन ऐसे ही रहेगा, ये किसी पॉइंट पे इक्वल नहीं होगा। इक्वल का वो इक्वल हो रहा है मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल हो रहे हैं, और जहाँ पे ये मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल होंगे वो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कहलाएगा। क्लियर है बेटा पॉइंट, या कुछ और आप? ठीक ठीक है सर, वो आगे हमने जो मोटिव पढ़े थे ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी स्पेकुलेटिव और एक और भी है पोर्टफोलियो भी। जी बिल्कुल, ये तीन मोटिव है जिनकी वजह से हम मनी को डिमांड करते हैं।
जी, लेकिन सर वो थर्ड वाला जो है स्पेकुलेटिव मोटिव वाला, मतलब कि वो बिल्कुल हम जो कुछ मनी फॉर सम मनी फॉर प्लान, मतलब सेव मनी फॉर प्लानिंग फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं या जो भी। हाँ जी अगर मतलब कि मैं पैसा सेव कर लेता हूँ आगे, अगर इन्वेस्टमेंट कर लेता आगे थोड़ा सा, मतलब पैसा सेव कर लेता हूँ अगर गोल्ड की डिमांड कम होगी तो मैं खरीद लूंगा, ऐसे ही सर। लेकिन मतलब कि गोल्ड की जिसमें प्राइस मतलब कि कम होगी एक तो खरीदोगे यार। कम होगी तो ऐसा वो ही ना सर, जिसका मतलब कि एक मार्केट का मूवमेंट होता है जिससे आदमी मतलब ध्यान में रखते हुए कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं फ्यूचर में ना, इसे तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट वो बोलते हैं काइंड ना। अब यस यस। और रिसेंटली सर मैं अभी एक बुक था वो काइंड की, एन मैक एन उसने उसने मैन कहा था की मैन के ब्रीफ प्रिंसिपल मैक्रो इकोनॉमिक्स ना, तो सर वो था कि उसने कहा था कि दैट डिमांड फॉर मनी इज अ चॉइस बिटवीन होल्डिंग कैश एंड बॉन्ड, मतलब उसका तो ये था ना कि उसने कहा था कि इंसान के दिमाग में डेरिमा चल रहा होता है कि कैश रखे या बॉन्ड को खरीद ले, ऐसे ही अगर वो मतलब रेट ज्यादा है तो वो बॉन्ड को खरीद लेगा, और अगर मतलब कि कैश इसलिए रखता है कि फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मतलब इंटरेस्ट वो, अब ये तो मतलब कि लॉजिक है ना, मनता की नहीं बनता कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो बंदा मतलब कि कोई खरीद लेता है। अब आप मतलब कि एक जाते हैं अगर बैंक में जाते हैं तो लोन का अगर इंटरेस्ट ज्यादा हो तो हम लोन कम लेते हैं, अगर लोन का इंटरेस्ट कम हो तो हम लोन ज्यादा ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पे तो मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, इन्वर्सली हो गया, इन्वर्स वाला कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं बनता, क्यों नहीं इंटरेस्ट इन्वर्स वाला बढ़ हुआ? रहा है कम, एक मिनट, तो इंटरेस्ट यू जी हैव टू फर्स्टली डिसाइडेड कि आप बोरर हो या लेंडर हो। ठीक है, कि जी आप बोरो लेने वाले हो या बोरो देने वाले हो, आप ये पहले इस बात में क्लियर हो जाओ। दोनों वे से नेगेटिव रिलेशन ही बनेगा। मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। देखें, अगर आप बोरो जी लेने वाले हो, अगर जी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज़्यादा है, आप कम बोरो करोगे, इन्वेस्टमेंट में कमी जी आएगी। और अगर जी इंटरेस्ट रेट कम है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है, आप ज़्यादा बोरो करोगे, इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। अभी जी आपको कम इंटरेस्ट रेट पे जो है वो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट या बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए कर्जे मिलने शुरू हो, नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा लोग लेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो फिर कम लोग लेंगे। और ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी नॉलेज है, नहीं, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट है। अब दूसरा वे कि हम लोन देने वाले लैंडर है, हमारे पास ऑलरेडी पैसा है, ऑलरेडी पैसा है। अब अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा है, ज्यादा मैंने नहीं इंटरेस्ट रेट वहां है, पर जाना, मुझे वो बहुत तंग करता है। अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, ये अपने माइक प्लीज ऑफ कर लें। अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट है तो हमारी कोशिश होगी ज्यादा पैसा बैंक में ही पड़ा रहे। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें? इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की होती है, इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व होता है। हाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट है जिनमें रिस्क इन्वॉल्व कम है, रिस्क रिस्क की शरह कम हो जाती है, रेशो कम है, लेकिन रिस्क तो है इन्वेस्टमेंट में। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर हो रहा होगा तो आपकी कोशिश होगी पैसे बैंक में रखवा दें, इंटरेस्ट ले आराम से, आप इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। और अगर इसके ठीक मुकाबला में अगर इंटरेस्ट रेट कम ऑफर हो रहा है, 2-3% आपको मिल रहा है, सर, तो दोबारा समझाएं, जरा समझ नहीं आ रही। बेटा आप अपना माइक काइंडली ऑफ रखिएगा, जब बातें कर रही थी आप, वो भी आपकी आवाज आ रही थी। अगर हम जो है वो सेवर हैं, मतलब हमारे पास पैसे मौजूद हैं, बोरर नहीं है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो हम पैसे जो है वो बैंक में रखवाना प्रेफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। और अगर इसके मुकाबला में इंटरेस्ट रेट कम है तो फिर जो है वो हम पैसे बैंक में नहीं रखवाएंगे, इन्वेस्टमेंट खुद से हमें करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इस वे में भी जो है वो नेगेटिव रिलेशन ही बनता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। और रियल लाइफ में इसकी नंबर ऑफ एग्जांपल मौजूद हैं। आप देखें ना कि जो है वो 2015 में, 16 में, 17 में जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% पे ले आए थे, विद एन एम टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। जापान की एग्जांपल ले लें, जापान जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट 0% पे ले आया था, विद एन एम टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, ताकि इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया जा सके। और ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, चाहे आप बोरर हैं चाहे आप लेंडर हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें। जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का?
यस सर, वो इन्फ्लेशन के बारे में आपने पढ़ाया था रिसेंटली, उसकी जो डेफिनेशन थी उसकी समझ नहीं लगी। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वैल्यू ऑफ प्राइस डिक्रीज, मतलब कि अगर एक गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो फिर प्राइस की वैल्यू तो डिक्रीज कैसे होगी? मतलब एक ब्रांड है कोई, उसकी कोई कीमत 5-1 हज़ार है, तो बंदा वही चीज को कहता है कि हाँ यार ये चीज बेस्ट है यार, बड़ा पैसा लगा इससे, तो वो वैल्यू तो मतलब इंक्रीज, मिस्टर वैल्यू तौफीक, तो इंक्रीज हो रही। जी किसी जी सर, एक कमोडिटी की प्राइस का बढ़ जाना इन्फ्लेशन नहीं कहलाता। व्हेन देयर अफरात इज अ इंक्रीज इन जी ओवरऑल प्राइस लेवल, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगर ओवरऑल प्राइसेस में इजाफा हो जाता है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर ओवरऑल प्राइसेस में इजाफा हो जाता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब देखो, एक कमोडिटी जो 500 की थी वो आपको 700 की मिल रही है। अब सेम कमोडिटी, कमोडिटी तो सेम है, सेम कमोडिटी परचेज करने के लिए आपको 500 की बजाय 700 रिक्वायर है। ऑब्वियसली इट मीन्स के वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो गई है। आपको वही चीज़, कमोडिटी तो सेम है, कमोडिटी वो पहले 500 के बदले में मिल रही थी, अब 700 के बदले में मिल रही है। इट मीन्स प्रीवियस 500 इज इक्वल टू टूडेज 700। इट मीन्स योर वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्लाइन बिकॉज गुड इज सेम, कमोडिटी तो सेम है। सेम कमोडिटी परचेज करने के लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे चाहिए, तो इसका ऑब्वियसली मतलब यही है कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन कर गई है। प्राइसेस बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर जाती है। हमारे पास ठीक देखे है ना, रियलिटी में पाकिस्तान में सिर्फ प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, इन्फ्लेशन काफी है। तो इन्फ्लेशन है, इसका मतलब यही है कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो गई है। अगर वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन नहीं हुई है तो फिर क्यों जो है वो पुअर या ये जो जॉब होल्डर है वो क्यों रोते फिर रहे हैं जी कि हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है? इनकम तो उनकी इतनी रही है, इनकम तो कम नहीं हुई, तो फिर क्यों रो रहे हैं? वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि रियल टर्म्स में उनकी इनकम कम हो चुकी है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है, बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो चुकी है। जब प्राइस लेवल बढ़ता है, जितना प्राइस लेवल बढ़ता है उतनी ही वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो जाती है जी। Is there any question? ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया welcome, आपका। वेलकम। और किसी को कोई और कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकता है। सर आपकी वॉइस थोड़ी सी कटी है सर, आप लास्ट पॉइंट क्या कहा है? जब वैल्यू डिक्लाइन होती है, जितना इन्फ्लेशन होता है, जितना प्राइसेस बढ़ती हैं, उतनी ही वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होती है। देखिए ना, 500 वाली चीज 700 में मिल रही है, कमोडिटी तो वही है। हाँ, कमोडिटी चेंज हो जाए वो अलग बात है, कमोडिटी तो वही है, वो सेम कमोडिटी 500 वाली आपको 700 में मिल रही है। इट मींस योर वैल्यू ऑफ मनी इज आल्सो डिक्लाइन। प्राइस लेवल बढ़ने का दूसरा मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो चुकी है। क्लियर है बेटा? और डिमांड फॉर मनी की जो मोटिव्स हैं वो 4 हैं या 3 है? लास्ट वाला पोर्टफोलियो मोटिव है इसमें या? पोर्टफोलियो वाले को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है सर, थैंक यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसकी डेफिनेशन, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आपके सामने, दिस इज फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकोनल, ब्रू एंड फ्लाइन। ऑब्वियसली अमेरिकन एडिशन है एंड दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंगली विद द यूएसए, यू कैन से दैट कि ये यूएसए के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है और कंट्री टू कंट्री ऑब्वियसली वेरी कर सकती है। ये पॉपुलेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है लेबर फोर्स और दूसरा है नॉट इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कौन से लोग आते हैं वो हम देखते हैं। मोर देन 16 ईयर ऑफ ओल्ड, जिसकी एज 16 ईयर या इससे अबव हो वो लेबर फोर्स में आएगा। हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क, काम करने के काबिल हो, काम करना चाहता हो। हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एंड सीकिंग फॉर जॉब फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स अगो। अमेरिकन डेफिनेशन के मुताबिक जॉब सर्च कर रहा हो, ऐसा नहीं है घर बैठा हो गया मैं लेबर फोर्स में, वो लेबर फोर्स में शामिल नहीं होगा।
जैसे बहुत सारे ग्रेजुएट्स होते हैं स्पेशली फीमेल, मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद वो घर में जॉब सर्च नहीं करती और वो कहें कि मैं एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड हूँ या लेबर फोर्स में हूँ, तो ऐसा नहीं है। जब तक वो बंदा एक्टिवली जॉब सर्च नहीं कर रहा वो लेबर फोर्स में शामिल नहीं होगा। सो मोर देन 16 इयर्स ऑफ ओल्ड हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एंड सीकिंग फॉर जॉब दीज विल बी इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स एंड नॉट इन लेबर फोर्स में आएगा हु इज लेस देन 16 इयर्स ऑफ ओल्ड मीन्स चिल्ड्रन 16 इयर्स ऑफ ओल्ड से कम जो हो फुल टाइम स्टूडेंट दीज मे बी मोर देन 16 इयर्स ऑफ ओल्ड। अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है और एज जो है वो 16 से ज्यादा है तो वो नॉट इन लेबर फोर्स में कंसिडर होगा। नॉट सीकिंग फॉर जॉब, जो जॉब सर्च नहीं कर रहा वो भी लेबर फोर्स में शामिल नहीं है। और उसके अलावा रिटायर्ड, कंप्लीटली डिसेबल्ड, डिजीज्ड पर्सन, कोई बीमार है काम नहीं कर सकता, बिल्कुल डिसेबल्ड है काम नहीं कर सकता ये, या रिटायर्ड हो चुका है, ये जो है ये लेबर फोर्स में शामिल नहीं होंगे। लेस देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड मीन्स चिल्ड्रन, फुल टाइम स्टूडेंट्स, नॉट सीकिंग फॉर जॉब एंड रिटायर्ड, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स। ऑन द अदर हैंड लेबर फोर्स में जो शामिल है मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एंड सीकिंग फॉर जॉब, लेबर फोर्स के आगे फिर दो पार्टिसिपेशन बनेगी, जिसको जॉब मिल गई है वो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स कंसिडर होगा, जिसको जॉब नहीं मिली वो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स कंसिडर होगा। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अ पर्सन हु इज मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एंड सीकिंग फॉर जॉब बट फेल टू गेट जॉब will be considered as unemployed। हमने देखे इस डेफिनेशन में पहले लेबर फोर्स को डिफाइन किया और फिर उसमें लेबर फोर्स में से जिसको जॉब नहीं मिली वो जो है वो अनएम्प्लॉयड कंसिडर होगा। अ पर्सन हु इज मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड हु इज एबल टू वर्क एंड सीकिंग फॉर जॉब बट फेल टू गेट जॉब विल बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, unemployment rate is equal to number of unemployed divided by total labor force। अगर हम number of unemployed people को total labor force पे divide कर देते हैं और 100 से multiply करते हैं, इस तरीके से हम unemployment rate जो है वो find out कर सकते हैं। इसको labor force पे divide करना है, total population पे divide नहीं करना, इस बात का ख्याल रखिएगा। unemployment rate is equal to number of unemployed divided by total labor force multiply by 100। And this is unemployment, for example, population is 220 million, labor force is 66 million, let's suppose, जिसमें से employed labor force जो है वो 64 million है और unemployed labor force जो है वो 2 million है, तो unemployment rate जो है वो इस formula से find out किया जा सकता है, number of unemployed which is 2 million divided by number of total labor force which is 66 million multiplied by 100, this is 3%। इस तरीके से आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन के बारे में मजीद क्लैरिटी है यहाँ पे। पार्ट टाइम कुछ जॉब लोग जॉब कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, अकॉर्डिंग टू BLS यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स लिस्ट ऑल पार्ट ऑफ वर्कर्स एज फुली एम्प्लॉयड, ऑल पार्ट टाइम वर्कर्स एज फुली एम्प्लॉयड, जितने भी पार्ट टाइम वर्कर्स हैं उनको फुली एम्प्लॉयड कंसीडर करता है BLS। पार्ट टाइम वर्कर्स आर कंसीडर्ड एज अ फुली एम्प्लॉयड। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस कर रहा है चाहे वो लार्ज बिजनेस कर रहा है, ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ एम्प्लॉयड। चाहे वो स्मॉल बिजनेस कर रहा है, एक रेड़ी लगा रहा है, चाहे वो जो है वो एक शॉप चला रहा है, वो भी जो है वो एम्प्लॉयड कंसिडर होगा। Furthermore, discouraged workers and not seeking for job, you must be actively seeking work in order to count it as unemployed. An unemployed individual who is not actively seeking employment is classified as not in the labor force. एक शख्स जो है जो actively job search नहीं कर रहा
वो लेबर फोर्स में शामिल नहीं होगा। जब लेबर फोर्स में नहीं शामिल होगा तो वो अनएम्प्लॉयड भी ऑब्वियसली कंसीडर नहीं होगा। अगर एक शख्स एक्टिवली जॉब सर्च नहीं कर रहा तो वो लेबर फोर्स में शामिल नहीं होगा। जब लेबर फोर्स में शामिल नहीं होगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में भी कंसीडर नहीं होगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। ये एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो पॉपुलेशन की वजह से इफेक्ट होती है ना सर? बट पॉपुलेशन, आप पॉपुलेशन के अंदर से लोग निकल रहे ना, उसी में से कुछ एक्चुअली तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि पैसे का ना होना। अगर एक घर में अगर कोई 7 भाई हैं या 8 भाई हैं, उनमें से कोई 6 ही कमा रहे हैं, तो फिर वो 2 कमाने का हक ही नहीं बनता ना। मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ, अगर छोटे ही हैं तो फिर तो उनके पास पैसे ही पैसा होना ना। एक बंदा अगर 50,000 ले रहा है तो 6 बंदों का मतलब कि फिर वो सर आप खुद ही देख लें, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो ये तो एलिमेंट बनता ही है ना बाप के, वो इतने बंदे कमा रहे हैं, इतने नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, हमने तो डेफिनेशन की जस्ट बात कर रहे हैं, मैं तो डेफिनेशन पढ़ाई है जस्ट कि कैसे कैलकुलेशन होती है इसकी। जी बेटा, सर अनएम्प्लॉयमेंट न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो सकती है ना, क्योंकि देखें जिस तरह न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, एक कंप्यूटर साथ साथ बंदों का काम कर। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो पढ़ ही नहीं रहे ना कि किस वजह से होती है। हो सकती है ऑब्वियसली, टेक्नोलॉजी आती है उसकी वजह से लोग फ्री हो जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ होता जा रहा है तो लेबर की ज़रूरत कम होती जा रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती जा रही है, लेबर फ्री होती जा रही है। ठीक है, हाँ आपकी बात सही है। तो जापान में चाहिए कि जापान की फिर अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम होनी चाहिए। जापान में जितनी टेक्नोलॉजी इस टाइम यूज़ हो रही है, गाड़ियाँ असम्बल हो रही हैं ना, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेबर नहीं कर रही, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। ठीक है, वो फिर टेक्निकली इसको हैंडल करना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा लेबर को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करना पड़ता है। However, this is not the concerned issue. We are talking about the definition. We are not talking about the major issues in Pakistan economy or world economy. हम तो definition की तरफ आ रहे हैं। Definition के definition कैसे define कैसे करते हैं? Definition में किसी को कोई confusion है तो वो मुझसे पूछ सकता है। Next is types of unemployment. There are 3 major types of unemployment. First one is frictional unemployment, second one is structural unemployment, third one is cyclical unemployment. Actually you were asking about the applications of this unemployment, and I am teaching about the concept of unemployment. Theek hai, ये बेसिकली कोर्स जो है इसमें हमने इसको कंसेप्ट को पढ़ना है कि वो क्या है। और जो यू आर आस्किंग अबाउट द हाउ दिस विल बी एप्लीकेबल इन द रियल वर्ल्ड और इन पाकिस्तान इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली वो भी डिस्कस होगा, मतलब कि इसके कॉजेज क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मेजर इशूज इन द पाकिस्तान इकोनॉमी, and this course will be offered further in the next semester. Point clear ho raha hai meri baat ka? Main is baat ka answer de sakta hu, lekin it is not the relevant question, kyunki wo syllabus mein bhi shamil nahi hai. Agar fir debate chalegi to fir wo obviously fir paper mein bhi pucha jayega, to wo fir aap kahenge ye this is out of syllabus. Clear, mera point clear hai jo main kehna cha raha hu aap logo ko? Yes, sir. Types of unemployment. There are 3 major types of unemployment. Frictional unemployment, structural unemployment, and cyclical unemployment. Frictional unemployment को हम डिटेल में पहले स्टडी करते हैं कि वो क्या है। At any given time, some workers are between job. Some of them will be moving voluntarily from one job to another job. Others will have been fired and will be seeking re-employment.
Still others will have been laid off temporarily because of seasonal demand. Workers who are voluntarily between jobs are moving from low paying, low productivity job to higher paying, higher productivity positions. And the unemployment faced during these periods are considered as a frictional unemployment. अगर आप अपनी मर्जी से जॉब छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि ग्रेजुएशन कर ली है, मैं एक दो माह लगा कर अच्छी जॉब इससे सर्च कर लूँगा, सैलरी भी ज़्यादा होगी, वो जो एक दो माह पीरियड आप फ्री रहते हैं वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर होगा। या फिर आपको जॉब से फायर कर दिया जाता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आप एक माह दो माह 15 दिन 20 दिन लगा कर नई जॉब सर्च कर लेते हो, ये जो 10-15 दिन 20 दिन आप फ्री रहे हो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जो सीजन टू सीजन चलती है, सीजन ऑफ हो जाता है वो कहते जाएं घर, इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि 2-3 माह बाद दोबारा सीजन शुरू होना, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। अगर वो 2-3 माह फ्री नहीं रहते, कहीं और जॉब कर लेते हो आप, तब भी जितने दिन फ्री रहे हो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर होगा। या फिर आप लो पे लो प्रोडक्टिविटी जॉब कर रहे हो, आप वो छोड़ देते हो वॉलंटेरिली, आप कहते हो मैं 4-5 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन लगा कर इससे अच्छी हायर पेइंग हायर प्रोडक्टिविटी जॉब जो है वो सर्च कर लेता हूँ, तो वो जो पीरियड आप फ्री रहेंगे वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर होगा। All these unemployed people are considered in frictional unemployment. Economists use the term frictional unemployment consisting of search unemployment and wait unemployment for workers who are either searching for jobs or waiting to take jobs in the near future. Search unemployment or wait unemployment bhi jo hai, that is the part of frictional unemployment. Kya hai search unemployment, wait unemployment? Dekhen, आप ग्रेजुएट होते हैं, आपको ग्रेजुएट होते ही फौरी जॉब तो नहीं मिल जाती, को 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 माह 2 माह लग जाते हैं सर्च करने में, तो दिस इज वेट अनएम्प्लॉयमेंट और सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका सर्चिंग पीरियड है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसमें होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर होगा। दोबारा बताता हूँ, अगर आप एक जॉब छोड़कर अपनी मर्जी से कोई दूसरी जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई भी आपका मोटिव हो सकता है, किसी भी वजह से, सैलरी की वजह से, स्केल की वजह से, व्हाटसो एवर रीजन, 2-3 माह फ्री रहते हो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में कंसीडर होगा। आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, आपको नई जॉब सर्च करने में 15 दिन 20 दिन 40 दिन लगते हैं, वो पीरियड जो है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में कंसीडर होगा। आप ग्रेजुएट होते हैं, आपको जॉब सर्च करने में 1-2 माह लग जाते हैं, ये पीरियड जो है ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में कंसीडर होगा। ऑब्वियसली ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है जो हर किसी के लिए मतलब हर किसी को फेस करना पड़ती है, लेकिन ओवरकम हो जाती है, लेकिन इकोनॉमी में हर वक्त मौजूद रहती है, क्योंकि यह सिस्टम तो चलता रहेगा ना, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा होगा, या लोग अपनी मर्जी से जॉब छोड़ रहे होंगे, नई जॉब सर्च कर रहे होंगे, बच्चे ग्रेजुएट हो रहे होंगे, स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे होंगे और वो नई जॉब सर्च कर रहे होंगे, ये सिस्टम तो चलता रहेगा। तो ये है तो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन इकोनॉमी में हर वक्त मौजूद रहती है। क्लियर पॉइंट। सेकेंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज फेस्ड ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से फेस करना पड़ती है। ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल चेंज क्या है, देखें इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, प्रोडक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसीडर्ड एज अ ट्रेडिशनल सेक्टर, वाइल इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर आर कंसीडर्ड एज अ मॉडर्न सेक्टर। व्हेन लेबर फोर्स इज मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, व्हेन लेबर फोर्स इज मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, दिस इज नेम्ड एज अ स्ट्रक्चरल चेंज एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते हैं,
तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रक्चरल चेंज हो, लेबर फोर्स जो है वो ट्रेडिशनल सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर की तरफ मूव कर रही हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज। तो स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ती है उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ सकती है, जैसे कोई बंदा एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड था, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर आता है और वो रूरल एरिया में है एग्रीकल्चर सेक्टर, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो अर्बन एरियाज में है, अर्बन एरिया में शिफ्ट होता है 10 दिन 15 दिन, वहाँ पे कोई मकान ढूंढता है, घर ढूंढता है, कहीं हॉस्टल ढूंढता है, जॉब सर्च करता है, उसको ये कुछ टाइम पीरियड फ्री रहता है, फिर उसे इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। तो वो जो पीरियड वो फ्री रहा है वो किस लिए फ्री रहा है, ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज, क्योंकि उसने अपना पेशा चेंज किया है। स्ट्रक्चरल चेंज वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव करके सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्री सेक्टर में मूव कर रहा है, तो इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगी उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल चेंज हर जगह चल रही होती है, ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है जो ओवरकम हो जाती है विद द पैसेज ऑफ 1 month, 2 month, 3 month किसी लोगों के लिए, लेकिन इकोनॉमी में तो हर वक्त मौजूद रहती है क्योंकि नए लोग आ रहे हैं। स्ट्रक्चरल चेंज चल रही है और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हर वक्त इकोनॉमी में मौजूद रहती है। थर्ड वन इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय डिक्लाइन इन टोटल स्पेंडिंग, टोटल जीडीपी। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रियल जीडीपी के कम हो जाने की वजह से है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रियल जीडीपी के कम हो जाने की वजह से है, ड्यू टू इनएफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के कम हो जाने की वजह से है, या रियल जीडीपी के कम हो जाने की वजह से है, या टोटल स्पेंडिंग के कम हो जाने की वजह से, एक ही बात है, ये सारी एक ही बात है। मींस प्रोडक्शन के कम हो जाने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। सो दीज आर द 3 types ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क। सर वो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ही नहीं क्लियर हुई, मतलब कि आपने ये कहा ना कि 16 इयर्स का हो और वो जॉब को सीख कर जॉब ना मिले तो वो अनएम्प्लॉयड, ऐसे ही है सर? तो मतलब बताइएगा जरा मैंने क्या कहा है। वो मतलब के 16 इयर्स का हो और मतलब के उससे पढ़ा हो और मतलब के वो जॉब सीख कर और जॉब को गेट ना कर पाए तो वो अनएम्प्लॉयड ही कहलाता है। लेकिन एक बंदा अगर सर पढ़ता है 30-40 साल का हो जाता है फिर उसके बाद ही जाके घर जाके बैठ जाता है तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा बेटा? जो मतलब के वो मतलब सर्च ही नहीं करता ना। आपने डेफिनेशन जो है वो क्लियर सुनी नहीं है, मैंने नॉट इन लेबर फोर्स को भी डिफाइन किया था साथ में। तो जो फुल टाइम स्टूडेंट है चाहे वो मोर देन 16 इयर्स ऑफ ओल्ड है, मतलब 25 साल का है लेकिन वो फुल टाइम स्टूडेंट है जी सर, वो लेबर फोर्स में शामिल नहीं होगा। जब वो लेबर फोर्स में शामिल नहीं होगा तो फिर वो एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आएगा। फुल टाइम स्टूडेंट, इट्स ओके, फुल टाइम स्टूडेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स। ऑल राइट जी, जी थैंक यू सर। वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का है तो पूछ सकते हैं। सर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में हम ये कह सकते हैं कि एक मजदूर अपनी काबिलियत की बिना पर एक जगह का छोड़कर दूसरी जगह पे जाके अपना कारोबार करे, या एक पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे में मतलब कि अपना इंटरेस्ट। पेशे वाला ठीक है बेटा, पेशे वाला, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज कहते ही इसे हैं कि जब हम किसी एक सेक्टर से निकल कर किसी और सेक्टर में मूव करते हैं, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर में मूव करते हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस वाली बात कर रहे हो कि पहले कोई और बिजनेस चला रहा था, ठीक है, फिर वो एक बिजनेस छोड़कर किसी दूसरे बिजनेस में स्टार्ट कर दिया, मतलब कि उसने शॉप बनाई हुई थी किसी चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की, अब उसने वो ख़त्म कर दी, कपड़े की दुकान ख़त्म कर दी है, वो जूतियों की बनाना चाहता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी उसी में शामिल होता है क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है। तो स्मॉल बिजनेस वाले जो है वो एम्प्लॉयड कंसिडर होंगे, वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आते। बिजनेस कर रहा है ना, बिजनेस वाले जो है वो एम्प्लॉयड कंसीडर होते हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेस है चाहे वो लार्ज बिजनेस है। शुक्रिया सर। वेलकम जी। मेरे पास मीटिंग टाइम ओवर हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ दोबारा लिंक शेयर करता हूं और हम लेक्चर को एक्सटेंड करते हैं।